Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Limitation Act. Or you can say that it is also an important part of Specific Relief Act. It is also an important part with respect to possession. क्योंकि ये जो कंसेप्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 27 डील करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उसमें एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट हमें समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, ये जो आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये है एडवर्स पोजीशन के रिगार्डिंग। ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये नोट्स मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है सेक्शन 5-8 जो पोजीशन के रिगार्डिंग जब कंसेप्ट क्लियर करवाया था, तो ये कंसेप्ट मैंने वहां पर पीपीटी के थ्रू आप सभी को करवा चुकी हूं मैं पहले। अगर आपने इसको डिटेल में डिस्कशन देखना है, पोजेशन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोजेशन, तो ये एडवर्स पोजेशन है। उनमें से 13 प्रकार का पोजेशन था जब मैंने 5-8 से रिलेटेड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे उस टाइम समझाया था। अगर आपने नहीं देखे ये वीडियो, तो आप जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है मेरे चैनल पे, आप वहां जाकर इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे ही है, मैम पब्लिसिटी कर ले अपने वीडियो की, दैट इज डिफरेंट मैटर। देखिए, सबसे पहले चीज, इस एडवर्स पोजीशन को समझने से पहले हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पोजीशन क्या होता है। तो पहले मैं नोट्स के थ्रू आपको पोजीशन के बारे में बताती हूँ, पोजीशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, पोजीशन होता क्या है, पोजीशन का मतलब है कि इफेक्टिव फिजिकल कंट्रोल। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अगर मान लो इसका ओनर ए है या कोई दूसरा व्यक्ति है, बी है। ए अगर मान लो एक्चुअली यहाँ रह रहा है, या मान लीजिए ए का एक घर और है यहाँ पर, वो वहां रह रहा है, बट इसका पूरा का पूरा कंट्रोल, फिजिकली कंट्रोल अभी ए के पास है कि इस मकान को ताला लगा दिया, चाबी ए के पास है। या मान लो बी जो इसका ओनर भी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर रेंट पर रह रहा है, फिर भी उसका ये माना जाएगा फिजिकल कंट्रोल है अफेक्टिवली। फिर बात आती है, या तो ये चीज होगी या होगी ये चीज, ऑक्यूपेशन अकम्पनीड बाय इंटेंशन। अब ये प्रॉपर्टी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें मान लीजिए ए की इंटेंशन नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को संभालना, बस वो एक मजबूरी में कर रहा है, या वैसे ही कह रहा है कि मेरे पास इसका कंट्रोल है, वो मायने नहीं रखेगा। अगर उसकी इंटेंशन है इसका पोजीशन रखने की, इसका कंट्रोल रखने की, तभी माना जाएगा कि वो पोजीशन की कैटेगरी में आएगा। इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है, वेंकटा चलैया वर्सेस नंजुन दैया। इस केस में साफ तौर पे कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो आपका ये पोजीशन है ना, ये वाला कोई प्लॉट है उसका आपके पास पोजीशन है, तो ओपनली होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। नॉलेज टू अदर्स, नॉलेज टू अदर्स का मतलब है कि दूसरों को ये पता होना चाहिए कि आप इसके मालिक हैं या आप इसके रेंट पर रह रहे हैं, या जो भी सिस्टम है। सेकंड चीज कह रहा है कि आपका वो पोजेशन एक्सक्लूसिव होना चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि आपके खुद के कंट्रोल में है, सेल्फ कंट्रोल में है वो, ऐसा नहीं कि दो या टू और मोर पर्सन के कंट्रोल में है तो वो आपका एक्सक्लूसिव नहीं होगा। अगर आपके अकेले के कंट्रोल में वो है तो वो एक्सक्लूसिव माना जाएगा। होस्टाइल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर आपको कहीं भी डिस्पोजेस नहीं किया गया, होस्टाइल हो आप, आपके ही एक्चुअल कंट्रोल में वो पोजेशन में है वो प्रॉपर्टी, तो वो क्या माना जाएगा, आपका पोजेशन माना जाएगा, अदरवाइज वो पोजेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं ट्रेसपासर की, एक ट्रेसपासर जो होता है, जो मान लीजिए ये वाला मेरा प्लॉट है, इस प्लॉट में कोई बाहर से व्यक्ति आया है सी, जो दो दिन के लिए यहाँ रह रहा है, 2 डेज के लिए यहाँ रह रहा है, तो उसके पास ये नहीं माना जाएगा कि पोजेशन है। तो ये तो था कंसेप्ट पोजेशन का। अब हम बात करते हैं एडवर्स पोजेशन की। एडवर्स पोजेशन का मतलब होता है द पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन है या किसी ऑब्जेक्ट का पोजेशन है, विदाउट लीगल टाइटल, आप उसके मालिक नहीं हो, फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड तक आपके पास रहा है, सफिशियंट टू बिकम अक्नॉलेज्ड, और ये काफी है कि जो लीगल ओनर है उसकी अक्नॉलेज्ड में है, उसकी खबर है उस बात की कि उस ओनर को। जस्ट क्लेमिंग द प्रॉपर्टी और पेइंग लाइबिलिटी फॉर इट विदाउट एक्चुअली पोजेसिंग इज नॉट सफिशियंट। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी पर
प्रॉपर्टी और पेइंग लाइबिलिटी। आप कह रहे हो कि इस प्रॉपर्टी पे अगर वॉल पेंट करवाना है या मान लो वॉल रिपेयर करवाना है, गेट लगवाना है, वो सारा का सारा जिम्मेवारी मेरी थी, तो मेरा एक्चुअली पोजीशन है ये सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो कोई भी किसी को ठेकेदार जो होते हैं, जो मकान बनाने वाले होते हैं, जो रिपेयर करने वाले होते हैं, हो सकता है उनको ठेका दिया और उन्होंने ये लाइबिलिटी अराइज जो अपनी है निभाई हो। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन को हम समझें। एडवर्स पोजेशन का मतलब पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है इसका, इसके अंदर वो व्यक्ति रह रहा है, इसके कब्जे में है वो। ठीक है, एक्चुअल लीगल टाइटल नहीं है, नो लीगल टाइटल, ये इसका ओनर नहीं है, बी के ये कब्जे में है, ओनर इसका कौन है, ए। और कह रहे हैं फॉर सर्टन टाइम पीरियड, मान लीजिए यहां 12 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, 8 साल से रह रहा है। ठीक है, एडवर्स पोजेशन है, सफिशियंट टू बिकम और लीगल ओनर, ये जो ए है इसको नॉलेज भी थी। तो ये कहने का मतलब है कि 12 साल, 10 साल, 8 साल का मतलब है 8 साल होने पे उसका एडवर्स पोजेशन सिद्ध नहीं होगा कोर्ट में, 10 इयर्स का भी नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो 12 साल का पोजेशन की हम बात करते हैं सेक्शन 5 और 6 जो है, जब हम SRA में बात कर रहे थे कि 5 में टाइटल के बेस पर, 6 में पोजेशन के बेस पर सूट फाइल किया जा सकता है, जिसकी टाइम लिमिट कहाँ है, आर्टिकल 65 और 64 में है, 5 के साथ 65 ऐड होगा और इसके साथ 64, तो ये कुछ टाइटल जो है वहां पर दिया गया है उसके रिगार्डिंग जो टाइम पीरियड दिया गया, तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर मान लो कोई व्यक्ति आके सूट फाइल करता है जो लीगल ओनर है, तो उसका जो है सामने वाले व्यक्ति का एडवर्स पोजिशन वहां नहीं होगा, अदरवाइज वो एडवर्स पोजिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये बात कह रहा है एडवर्स पोजिशन की टर्म में, ये जो लाइन है वो यही बात कह रही है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, नेक्स्ट लाइन क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस यूज ऑफ प्राइवेट लैंड और ड्राइववे और एग्रीकल्चर फील्ड और अनयूज्ड पीस ऑफ लैंड। आपने ये मान लीजिए एक लैंड है कंटिन्यू आपके पास यूज में है, प्राइवेट लैंड है और एग्रीकल्चर फील्ड के लिए है, जो आपकी खुद की आप ओनरशिप नहीं है, तो वो क्या होगा, एडवर्स पोजिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। द सूट इज टू बी फाइल्ड एज पर CPC के तहत, जो आप सूट फाइल कर सकते हो। टाइटल कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और पोजेशन, इट ऑल्सो इंक्लूड एडवर्स पोजेशन। कहने का मतलब क्या है, एक बार इसको हम समझ लेते हैं, यहां पर समझा देती हूँ मैं आपको कि मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया कि सेक्शन 5 जो है SRA का, वहां टाइटल के बेस पर आप सूट फाइल कर सकते हो, 6 में जो है SRA का वो आप कर सकते हो पोजेशन के बेस पे, यहाँ टाइटल के बेस पे कर सकते हो और यहाँ पोजेशन के बेस पे, अगर आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है तो सूट फाइल हो सकता है। यहाँ जब आप सूट फाइल करते हो और आपने मान लो 12 साल से वहीं रह रहे हो, 12 इयर्स से आप वहीं रह रहे हो, तो ये आपका क्या माना जाएगा, लिमिटेशन एक्ट के तहत आपका एडवर्स पोजेशन हो जाएगा, क्योंकि 12 साल टाइम पीरियड होता है और 12 के बाद अगर कोई सूट फाइल करता है जो लीगल ओनर है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि एक केस है इसके रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। केस क्या कह रहा है, केस बात कर रहा है कि लंबे टाइम तक आपने पोजेशन रख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वहां पर क्या था, एक्चुअल पोजेशन था। अ पर्सन हु हैज बीइंग इन लॉन्ग कंटिन्यूस पोजेशन कैन प्रोटेक्ट द सेम बाय सीकिंग एन इंजंक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन इन द वर्ल्ड अदर देन द ट्रू ओनर। कह रहे कोई भी व्यक्ति, ये केस का नाम है प्रताप राय एंड कोठारी वर्सेस जॉन ब्रिगेंजा, केस इंपॉर्टेंट है माइंड में रखना। आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक है, वो प्रोटेक्ट तो कर सकता है अपने राइट को, इंजंक्शन भी ले सकता है, लेकिन किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट ले सकता है, बट जो ट्रू ओनर है उसके अगेंस्ट नहीं ले पाएगा। इट इज ऑल्सो वेल सेटल्ड दैट, ये भी वेल सेटल्ड है कि इवन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन गेट बैक हिज पोजेशन ओनली बाय रिस्टोरिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जो है आप कोई भी पोजेशन जो है वो क्लेम कर सकते हो। ये क्या कहना चाह रहा है इस केस में, इस केस में ये बात कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास पोजेशन है किसी चीज का, लॉन्ग पोजेशन है आपके पास, लंबे टाइम तक कंटिन्यूस पोजेशन आपके पास चल रहा है, बट फिर भी आप ट्रू ओनर के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते। एक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो ओनर है ए, इस प्रॉपर्टी पे लॉन्ग पोजीशन किसका है, बी, लॉन्ग पोजीशन है। अब मान लो सी आके
ये कहता है कि मैं यहां पर रहूंगा, तो बी क्या कर सकता है, एक इंजंक्शन जो है, इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकता है इस सी के अगेंस्ट कि वो उसे प्रोहिबिट कर रहा है यहां रहने से। बट ही कैन नॉट फाइल ए सूट, कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट ए। क्यों क्यों नहीं कर सकता जी? कल हमने सेक्शन 27 पढ़ा था कि वो कर सकता है और इस बी का ओनरशिप हो जाएगी, अब एक तरीके से बी अपना राइट क्लेम करवा लेगा। देखिए ये बात की गई थी प्रताप राय के केस में कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए ए 12 साल के अंदर जो लिमिटेशन पीरियड है अपना यहां पर पोजेशन क्लेम नहीं करता, इफ ए इज नॉट क्लेमिंग हिज राइट टू पोजेशन और एज ए ओनर इन विद इन 12 इयर्स ही लॉस, वो क्या कर देगा, एज पर सेक्शन 27 इंडियन लिमिटेशन एक्ट बार्स द राइट, बार्स द राइट, उसका राइट जो है बार हो जाएगा, रेमेडी तो बार हो ही गई है और राइट भी बार हो जाएगा, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को हम फर्दर एक और सेंस में लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, अगर इसी एग्जाम्पल की हम बात करें कि बी व्यक्ति है, ये प्रॉपर्टी है, ए इसका ओनर है, बी यहां लॉन्ग पोजेशन है, उसके पास लॉन्ग पोजेशन है, ठीक है, कितने टाइम का है इसके पास, 10 साल का। ए आता है बी को कहता है जी खाली करो, वैकेट करो इसे, बी कहता है उसके पास लॉन्ग पोजेशन है, लेकिन ए फिर क्या करता है, सूट फाइल करता है, फाइल करता है 10 इयर्स के बाद, तो यहां इसका एडवर्स पोजेशन नहीं होगा। एडवर्स पोजेशन सिर्फ इसी कंडीशन में हो सकता था अगर उसका सूट बार्ड होता, इफ बार्ड, लेकिन 10 साल के अंदर उसका सूट बार्ड नहीं होता। 64 और 65 के तहत अगर सूट फाइल करता है 65 के तहत, तो उस 12 इयर्स का टाइम पीरियड है, अगर 12 इयर्स तक ए सूट फाइल नहीं करता तो इस व्यक्ति का एडवर्स पोजेशन बी का हो जाता, लेकिन यहां पर ये सूट जो है बार नहीं है तो एडवर्स पोजेशन नहीं होगा। ये है एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट, जिसको समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स क्या होते हैं एडवर्स पोजेशन की। द फर्स्ट थिंग इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, लगातार रह रहा है, 12 ईयर जो लिमिटेशन का टाइम है उसके तहत लगातार रह रहा है, कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, कहीं भी उसको निकाला नहीं गया उस प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी से वो कहीं बाहर गया नहीं, तो कंटिन्यूटी उसकी है तो एडवर्स पोजेशन में काउंट हो जाएगा। एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए, खुद सेल्फ का पोजेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसने आगे रेंट पे किसी को दे दिया है तो इसका एक्चुअल, उसका मान लो बी रेंट पर था उसका एक्चुअल पोजेशन माना जाएगा। ओपन होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए उसके बारे में, एक्सक्लूसिव सिर्फ उसी के पास होना चाहिए, को पोजेशन नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसका पोजेशन नहीं होना चाहिए। इंटेंशन होनी चाहिए, मान लो 12 साल तक वो व्यक्ति रह रहा है वहां पर और फिर उसकी इंटेंशन नहीं है, वो सोच रहा है कि कोई बात नहीं अगले साल ओनर खाली करवाता है मकान तो मैं खाली कर दूंगा, तो वो एडवर्स पोजेशन नहीं आएगा। लेकिन वो कंटिन्यू रह रहा है, उसकी इंटेंशन भी है, तो वो क्या माना जाएगा, एडवर्स पोजेशन माना जाएगा। मस्ट बी नॉलेज टू प्लेंटिफ, और जब वो उस जगह रह रहा है, मान लीजिए प्रॉपर्टी है ए इस यहाँ रह रहा है और बी को उसकी क्या है, नॉलेज है, ओनर को इसकी क्या है, नॉलेज है, तो क्या माना जाएगा कि एडवर्स पोजेशन की कैटेगरी में ये फॉल कर गया है। अगर हम बात करें कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, देखिए नॉर्मली आप देख लीजिए एग्जांपल के थ्रू, ए है ओनर, बी जो है इस प्रॉपर्टी का पोजेशन है और मान लो 10 साल है 12 है जितने भी है, ओनर ने क्या किया, सूट फाइल किया, तो जो सूट फाइल करता है वो कौन होता है, जो प्लेंट फाइल करेगा वो क्या होगा, प्लेंटिफ। बी क्या हो गया यहां, डिफेंडेंट, और एडवर्स पोजेशन कौन क्लेम कर रहा है, डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है,
तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? डिफेंडेंट पे होगा, या आप कह सकते हो कि उस व्यक्ति पे होगा हु रेजेस, जो उसको क्लेम कर रहा है, वो मस्ट बी प्लीडेड होना चाहिए। मान लो प्लेंट है, प्लेंट फाइल किया गया, रिटर्न स्टेटमेंट में WS में वो प्लीड करेगा और प्रूव करेगा इस बात को, तो बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे होता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 27 में ऑन विच पर्सन द बर्डन ऑफ प्रूफ रिलाइज, किस पर करेगा? डिफेंस पे। ये हमेशा माइंड में रखना, प्री का क्वेश्चन है। अभी क्या है कि लिमिटेशन एक्ट पूरा हो जाता है, उसके बाद सिर्फ मैं एक CRPC का ही सब्जेक्ट कंटिन्यू रखूंगी और डेली का एक वीडियो अपलोड करूंगी। उसके साथ साथ मैं शॉर्ट्स वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रिगार्डिंग शॉर्ट एक एक क्वेश्चन डेली उठा लूंगी, शॉर्ट वीडियो उस टाइप से अपलोड करती रहूंगी, जिससे आप चलते फिरते वीडियोस देख भी सकते हो और किसी प्रकार का बर्डन भी आप पर नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम जो है अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होने वाला है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे कंसेप्ट, तो CRPC थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है, तो वो हम कंसेप्ट करेंगे। आई होप आपको आज का जो ये मेरा कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको एडवर्स पोजेशन के रिगार्डिंग किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी कोई वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।